गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आई एम चित्रा मैम। टूडे आई विल टीच चैप्टर सर्ट इलियन की ऑफ सब्जेक्ट हिंदी लिटरेचर ऑफ क्लास थर्ड। बच्चों, अभी तक आप लोग ने पार्ट वन में पढ़ा था सर्ट इलियन चैप्टर सेवन में, कि उसमें तीन बच्चे थे, एक इलियन से एक आकृति आई थी, बच्चे वहाँ लुपा छिपी खेल रहे थे, उनको रोने की आवाज़ सुनाई दी थी उसकी, और वो लोग रोने की आवाज़ से घबरा गए थे। फिर झाड़ियों में जाते हैं, झाड़ियों से एक रोशनी दिखाई दे रही थी, उस रोशनी की तरफ बढ़ते हैं तो रोशनी उन लोग को आता देख कर एक आकृति में बढ़ जाती है। उसके हाथ में एक गैजेट बना होता है, बंधा रहता है, तो वो लोग पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो वो बताता है मैं अंतरिक्ष में रहता था, मैं अपने साथियों के साथ यहाँ पिकनिक मनाने आया था, और सारे मेरे फ्रेंड्स पिकनिक मना के लौट गए हैं, मैं यहीं छूट गया हूँ, डरो मत हम तुम्हें कोई नुकसान। तब फिर बंटी उससे कह रहा है डरो मत हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। अब इसके आगे मैं आपको इसकी स्टोरी बताती हूँ। लता, तुम हमें अपना दोस्त मान सकते हो, जो उसकी फ्रेंड लता है वो कह रही है तुम हमको अपना दोस्त मान सकते हो। गूगो, अच्छा तुम तीनों का क्या नाम है? तब जो आंतरिक से आया है एलियन वो तीनों का नाम पूछ रहा है। लता, मेरा नाम लता है, यह बंटी और यह पिंकी है। लता तीनों का परिचय उससे कराती है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा गूगो। तब उन लोग से जो आंतरिक से एलियन आया है वो कह रहा है तीनों लोगों से, हमको तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, अब तुम मुझे यहाँ से अपने घर ले चलो। तब वो कह रहा है अब तुम सब लोग मुझे अपने घर ले चलो। बंटी, तुम्हें भूख लगी है क्या? तब बंटी उससे कह रहा तुमको भूख लगी है। गूगो, मैं तुम्हारी पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाली सब्जियाँ नहीं खा सकता। तब वो कह रहा है मैं जो यहाँ पे सब्जी वगैरह होती है वो नहीं खा सकता। तब बंटी उससे कह रहा है क्यों नहीं खा सकते? गूगो, मैं अपना भोजन अपने साथ लाया हूँ। वो कह रहा है मैं अपना खाना अपने साथ लाया हूँ। मुट्ठी खोलकर रंग बिरंगी गोलियाँ दिखाता है, इनका क्या करोगे? तब बंटी उनसे पूछ रहा है तुम इन रंग बिरंगी गोलियों का क्या करोगे? ये भोजन की गोलियां हैं। वो कह रहा है ये हमारे खाने की गोलियां हैं, इतनी सी गोलियों से तुम्हारा पेट भर जाएगा। वो बहुत थोड़ी सी हैं, तो उसको देख के बंटी कह रहा है इतनी सी गोलियों से तुम्हारा पेट भर जाएगा। गूगो, हाँ एक गोली में तीनों वक्त का भोजन होता है। जो आंतरिक एलियन आया है वो कह रहा है यदि मैं एक गोली खाऊंगा तो तीनों वक्त का भोजन मुझे प्राप्त होगा। है सुबह उठकर एक गोली खाओ और पूरे दिन के लिए भूख से मुक्ति पाओ। वो कहता है एक गोली यदि खा लो तो पूरा दिन फिर भूख नहीं लगती है। मुझे यहाँ से अपने घर ले चलो, मुझे जंगल में डर लग रहा है। तब वो बच्चों से कह रहा है मुझे अपने घर ले चलो, मुझे यहाँ पे डर लग रहा है, ये जंगल जैसा लग रहा है। लता, वो सबसे पहले यह जान लो कि ये जंगल नहीं बगीचा है। वो कहता है ये जंगल नहीं ये बगीचा है। छी, तब गूगो कह रहा है जो एलियन आया है कह रहा है छी अपनी नाक बंद करते हुए यह भी कोई बगीचा है क्यों? क्योंकि वहाँ इतना कूड़ा फैला हुआ था और कूड़े में क्या होती है बदबू होती है स्मेल होती है, इसलिए ना इसमें फूल है ना फलदार पेड़ है, यहाँ से वहाँ तक झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं, कूड़ादान खाली पड़ा है और चारों तरफ कूड़ा बिखरा है। तुम पृथ्वीवासी कितनी गंदगी में रहते हो, हमारा ग्रह तो साफ सुथरा है। तब जो एलियन आया है वो बच्चों से कह रहा है तुम लोग कितनी गंदगी में रहते हो, जो हमारा अंतरिक्ष है वो एकदम साफ सुथरा है। बंटी, तुम्हारे यहाँ सफाई कर्मचारी बहुत होंगे। तब वो कह रहा है तुम लोग के यहाँ सफाई कर्मचारी बहुत होंगे। गूगो, नहीं हम लोग खुद सफाई करते हैं। वो कहते हैं नहीं हमें यहाँ कोई सफाई कर्मचारी नहीं है, हम लोग खुद सफाई करते हैं। अचानक गूगो के हाथ में बंधे गैजेट में से एक आवाज़ आने लगती है, लगता है मेरे साथी आ रहे हैं। तब वो कह रहा है लग रहा है मेरे साथी मुझे लेने वापस आ रहे हैं। बंटी, पिंकी, लता, मुझे अब जाना होगा। तब वो उन बच्चों से कह रहा है मेरे साथी आ रहे हैं, अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा, तीनों फिर आओगे ना? तीनों फिर उससे कह रहे हैं फिर आओगे। गूगो, पता नहीं पर हाँ, जब तक पृथ्वीवासी अपनी गंदी आदतें नहीं बदल लेते और साफ सफाई से रहने नहीं लगते तब तक तो नहीं आऊँगा। वो कह रहा है अब मैं तब तक नहीं आऊँगा जब तक आप लोग साफ सफाई से नहीं रहोगे, इतनी गंदगी से रहोगे, अपनी आदतों को बदलोगे नहीं। क्या कूड़ा आपको
डस्टबिन में डालना चाहिए, इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, ये सब गंदी आदतें हैं, इन सबको बदलना होगा। तीनों रुआसे हो जाते हैं, तीनों रोने लगते हैं, तो फिर हम दोस्त नहीं हैं क्या? कह रहे हैं हम लोग आपस में दोस्त नहीं हैं। वो हम दोस्त तो हैं पर मुझे गंदगी में रहना अच्छा नहीं लगता। वो एलियन है, वो कह रहा है मुझे गंदगी में रहना अच्छा नहीं लगता, हम लोग दोस्त तो हैं। उड़नदस्त्री उतरने की आवाज़, जब उड़नदस्त्री से वो आता है जा आया हुआ था, उसकी उतरने की वापस से आवाज़ आती है। गुगो का मंच, उड़नदस्त्री भरने की आवाज़, बंटी पिंकी और लता कुछ देर उदास से बैठे रहते हैं, फिर बगीचे में फैले कूड़े को इकट्ठा करके कूड़ेदान में डालते हैं। फिर वो जो गुगो एलियन आया था वो उड़नदस्त्री में बैठ के अपने आंतरिक में वापस चला जाता है, और जो तीनों बच्चे होते हैं वो जो वहाँ पे कूड़ा फैला हुआ था वह उठा करके कूड़ेदान में डालने लगते हैं। लता, देखा हमारी जरा सी मेहनत से यह जगह कितनी साफ़ सुथरी हो गई। तब लता अपने फ्रेंड्स तीनों में आपस में बात करती है, देखो हम लोग ने थोड़ी सी मेहनत की और हमारी जगह एकदम साफ़ सुथरी हो गई। बंटी, अब हम कभी भी कूड़ा इधर उधर नहीं फेंकेंगे, अपने सभी दोस्तों से भी कूड़ा कूड़ेदान में डालने को कहेंगे। तब उन्होंने कहा हम भी अब इधर उधर कूड़ा नहीं फेंकेंगे, अपने जो फ्रेंड्स हैं उनसे भी कहेंगे कूड़ा कहाँ डालेंगे, डस्टबिन में। बंटी, तब शायद वो हमसे मिलने फिर आएगा, जो एलियन आया था वो हमसे मिलने फिर आएगा। चलो मिशन सफाई शुरू करते हैं, अब सब भी अपने आसपास सफाई करने का वादा करो। बच्चों, जैसा आपने इस चैप्टर में देखा कि इतना अच्छा एलियन सिर्फ इस वजह से धरती से वापस अपने अंतरिक्ष में चला गया क्योंकि उसके पास गंदगी में रहना उसको अच्छा नहीं लगता था, वैसे ही अब आप लोग को इस चैप्टर से ये शिक्षा मिलती है, आपको भी कहीं पर भी गंदगी नहीं फैलानी है, आपको हर जगह साफ़ सफाई रखनी है, चाहे घर हो चाहे कहीं पे भी हो। आप लोग कुछ भी खा के कूड़ा इधर उधर फेंक देते हैं, इसको नहीं करना है। थैंक यू एवरीवन।